अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो शया टीका पेन के बारे में है। शया टीका पेन लंगड़ी के दर्द को भी कहते हैं। शया टीका बहुत ही शदीद तरीन पेन का नाम है। ये एक नर्व होती है और उस शया टीका पेन एक शया टीका नर्व की वजह से होता है। जब उसके अंदर इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है तो उसके बाद हमें पेन होना शुरू हो जाता है। ये न्यूरलजिया पेन भी इसको कहते हैं, और क्योंकि ये भी एक वेन के सूजने की वजह से न्यूरलजिया भी उसका नाम दिया जाता है। एक किस्म का स्टिंग पेन होता है और ये हमारे लंबर रीजन पर से दर्द शुरू होता है और नीचे टांग तक आता है। खास तौर पर ये लेफ्ट साइड पे होता है, मगर समटाइम राइट साइड पे भी होता है और समटाइम दोनों साइड्स पे इसका पेन जो है वो रेडिएट करता है और बिजली के करंट की तरह ये पेन लगता है। समटाइम ये दर्द जो है कंप्रेशन की वजह से होता है कि अगर शदीद धक्का लगा है किसी जगह या आप गिर गए हैं और उसके बाद नस दब गई है और उसके बाद भी पेन ऐसा होना शुरू हो सकता है। आप ओबेज हैं, ओबेसिटी है अगर आपको, आप मोटे हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये पेन हो सकता है। और अगर आपको शुगर है तो उसकी वजह से भी आपको शयाटी का पेन हो सकता है। जो लोग वेट लिफ्टर होते हैं उन लोगों का को भी हर्निएशन होती है और उसके बाद ऐसा होता है। और बेसिक इसकी वजह क्या होती है? इसकी बेसिक वजह ये भी होती है कि जब हर्निएशन हमारे स्लिप जो डिस्क होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा होता है, उसके अंदर एक गद्दी नुमा चीज होती है और जब वो हल्की सी ऐसे स्लिप हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमें पेन होता है। ये नहीं, हर्निएशन की वजह से भी हमें ये पेन होना शुरू हो सकता है। और जो लोग जो लेडीज होती हैं अगर वो प्रेग्नेंट हैं और उसके बाद भी शियाटी का पेन क्या शिकायत जो है वो होने लगती है क्योंकि वो ओबेज होती है और उसकी वजह से ज्यादा वेट की वजह से भी ऐसा होता है कि शियाटी का वेन जो है वो दब जाए या इन्फ्लेम कर जाए और फिर पेन होना शुरू हो जाए। वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके अंदर अगर एजिचुरेट हो जाती है या बोन्स पर होती है, हड्डी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो वो भी फिर स्टिंग पेन का सबब बनती है। खास तौर पर जो लोग बहुत ज्यादा वेट उठाते हैं और उनको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है और वहीं से शया टीका के पेन की कंप्लेन जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है। शया टीका वेन जो है वो हमारी बॉडी में चूंकि सबसे लंबी और मोटी जो है वो वेन होती है, सो वो काफी दूर तक चली जाती है। यानी अगर हमारे लंबर रीजन से वो शुरू होती है और हमारे दोनों पाओं की तरफ वो आ जाती है और ऊपर की तरफ भी वो फैलती है। जब इतनी लंबी वेन है तो किसी एक जगह भी अगर इन्फ्लामेशन हो तो हमें रेडिएटिंग जो उसका पेन है वो काफी हमारे बॉडी में पेन जो है वो सेंसेशन दे सकता है। अब हम ये बात करते हैं कि ये मेल को होता है या फीमेल को होता है ज्यादा। ये फीमेल को ज्यादा होता है। ये उन लोगों को होता है जो डिसेंट्री लाइफ जीते हैं, यानी ज्यादा बैठकर काम करने वाले लोग, उनको भी ये होता है। जो इनटेक बहुत ज्यादा करते हैं, एक्जर्शन उनका कम होता है, और उन लोगों को भी ये पेन होना शुरू हो जाता है। ये खाना खाने से, छींकने से और खांसी करने से भी दर्द बढ़ सकता है। स्लीपिंग जो है सेंसेशन आने लगते हैं, यानी पाँव के सुन्नपन की शिकायत जो है वो भी होने लगती है कि जब बैठे रहते हैं तो पाँव सुन्न होता है और जब उठते हैं तो रेडिएटिंग सा पेन होना शुरू होता है। तो ये होता है शया टीका का पेन। शया टीका का पेन और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है तो उसका पेन समटाइम हमें यूं भी फील होता है कि हमें पता नहीं चलता कि क्या वजह है और हमें शया टीका का पेन है। अगर हमें कमर के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है तो वर्टिब्रल में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उसकी वजह से पेन हो सकता है। और अगर निचले हिस्से में टांगों में रेडिएट होता पेन महसूस करे तो शया टीका का पेन होता है। एक्चुअली ये जिस तरह बोन्स पर होता है उसकी वजह से हर्निएशन में अगर डिस्क में आ गई है, कमर की हड्डी में अगर हड्डी बढ़ गई है तो उसकी वजह से कंप्रेशन समटाइम आ जाता है, यानी दब जाती है हमारी शया टीका वेन, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम ऐसी मेडिसिन का जो इंतखाब आज करते हैं, अगर हमें
स्पाइनल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, बोन जो है वो हमारे स्पर हो चुके हैं यानी हड्डी अगर बढ़ चुकी है तो उसके लिए भी मेडिकेशन जो है हम शुरू कर सकते हैं, और अगर नर्व में कंप्रेशन है उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन हम इंतखाब कर सकते हैं, और साथ में अगर इनफ्लेम कर गई है नस तो उसके लिए भी। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट का इंतखाब करेंगे, जो कंपोनेंट है आर रिकवेग कंपनी का है, डॉक्टर रिकवेग है जर्मन से तो उनकी कंपनी है, तो उसकी बहुत अच्छे जो कंपोनेंट मिलते हैं वो R71 है। उसके बाद अगर हमें पेन की शिकायत बहुत ज्यादा है और खून में गाढ़ापन है या इन्फ्लामेशन है हमारे नस में तो उसके लिए आर्निका 200 बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और उसे 3 टाइम में इस्तेमाल करेंगे हम, और वो जबान पर 2 ड्रॉप ले सकते हैं, पानी में भी आप ले सकते हैं 1 चम्मच पानी और थोड़ा सा आप वो ले सकते हैं पानी के साथ, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, या अगर आपके जुबान पर वो तेज लगता है तो फिर भी आप जुबान पर ना लें और पानी में ले सकते हैं, मगर मुझे जाती तौर पर जुबान पर ज्यादा इफेक्टिव लगता है। उसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो है विस्कम अल्बा, विस्कम अल्बा 30 हम इस्तेमाल करेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हमारे जो स्पर है उसके लिए। कल्केरिया फ्लोर 6x हम लेंगे अगर हमारी हड्डी बढ़ने के या हर्निएशन जो है उसकी प्रॉब्लम आ रही है, तो कल्केरिया फ्लोर बहुत ही ज्यादा 6x बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। कोलोसिंथ क्यू हम लेंगे, वो भी शयाटिका पेन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये जिस तरह के आपको प्रॉब्लम है उसी तरह की ये मेडिसिन है, आपको आर्निका से और कलकेरिया फ्लोर 6x से बहुत जल्दी आराम आ सकता है, मगर आप इसको प्रोलॉन्ग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये जो पेन है इसकी इन्फ्लामेशन थोड़ी देर से जाती है। दूसरा इसका जो इलाज है वो हैजामा है, अगर आप लंबर रीजन पर कप लगा लेंगे और इसी तरह आप लाइन में नीचे आते जाएंगे जो जो नस के जो जो जगह है उसके साथ साथ, तो वहां पर आपकी ये जो रेडिएटिंग पेन है ये बहुत जल्दी से ठीक हो सकता है। उसके अलावा गरम और ठंडा ये दोनों तरह की एक थेरेपी होती है कि आप आइस और हॉट बैग जो है उसका इस्तेमाल करें, एक आइस बैग आप लें एक हॉट बैग लें। आइस बैग जो होता है उसके से ये फायदा होता है जो हमारे अंदर सूजन आ चुकी है तो वो ठीक हो सकती है, और जो खून जमा हुआ है वो हमारे हॉट बैग से, थोड़ी देर के लिए हम आइस बैग रखेंगे वो उठाएंगे फिर हॉट बैग रखेंगे, आफ्टर दैट हम यूज करेंगे रिपीट करेंगे इसी को कि हम ठंडा पहले लगाएंगे फिर गर्म, ये भी बहुत जल्दी रिलीफ अगर चाहिए है तो ये बहुत अच्छा रिलीफ है, ये एक थेरेपी है। मैं यहाँ पर उसकी तस्वीरें अगर मेरे से हो सकी तो वो भी लगा दूंगी, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कि आप ठंडा वो यानी आइस एंड हॉट बैग जो है उसकी थेरेपी करें, हिजामा करवाएं और होम्योपैथी की मेडिसिन लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं खुद भी हिजामा थेरेपिस्ट हूँ, अगर आपके इर्द गिर्द हिजामा थेरेपिस्ट कोई मौजूद है तो आप उनसे हिजामा करवा सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और आप इसको करवाइएगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो शयाटिका पेन पर था, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।